रविंदर रैना ने जो खबरें चल रही थी, जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी लगातार हावी हैं भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी पर, और उनका जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है रविंदर रैना हो, या फिर जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संगठन मंत्री हैं पार्टी के अशोक कोल, उनको लेकर जो आरोप वो लगा रहे थे लगातार, उसको लेकर अब खबर ये आ रही है कि रविंदर रैना ने सुरेंद्र चौधरी को 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। हालांकि ये खबर जो है ये जम्मू कश्मीर, या फिर यूं कहे कि जम्मू के चंद पोर्टल्स पर चल रही है, उन्हीं के हवाले से हमारे पास भी ये खबर आई है। रविंदर रैना से अभी कोई बात नहीं हो पा रही है, और सुरेंद्र चौधरी की अगर बात करें, उनसे जब बात हुई हमारे सहयोगी की, तो उन्होंने कहा है कि मेरे पास तो अभी कोई ऐसा नोटिस जो है वो नहीं पहुंचा है। अगर उन्होंने भेजा है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो पहले से ही लगातार कह रहे हैं कि सुरेंद्र चौधरी को आप अगर नोटिस भेजते हैं, जो कल भेजना है वो आज भेजिए, और फिर देखिए कि सुरेंद्र चौधरी क्या करता है। यानी कि सुरेंद्र चौधरी जो बीजेपी में उन्होंने कुछ समय बिताया, वो समय उनके लिए हो सकता है कि उनके पास कई ऐसी जानकारियां हों, कई ऐसे जो अंदर के राज वो लेकर बाहर निकले हों, और आज वो एक पूरी तरह से क्या क्या बीजेपी में हो रहा है, क्या कोई यहाँ पर फेवरेटिज्म किया जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए परिवारवाद के, उन्होंने आरोप लगाए करप्शन के कि यहाँ पर करप्शन करवाई हो रही है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो परिवारवाद चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिवारवाद चलवा रही है, उनके अध्यक्ष जो है रविंदर रैना, उन पर उन्होंने काफी आरोप लगाए। कल भी उन्होंने इंटरव्यू में कई सारे खुलासे किए, यहां तक उन्होंने कह दिया कि एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ जो भारतीय जनता जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो भी प्रदर्शनकारी बैठते थे, वो प्रदर्शनकारी सिर्फ और सिर्फ रविंदर रैना के कहने पर बैठते थे। ये कल सुरेंद्र चौधरी ने ये बयान कल दिया था, और ये काफी जो एक तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार जो इस तरह से लग रहे हैं, तो उस पर रविंदर रैना ने कोई मीडिया में उस तरह से बयानबाजी या उन्होंने कोई रिबटल जो है वो नहीं दिया, क्योंकि हमने भी उनको जो है फोन कॉल किया था, उन्होंने अभी मना किया कि इस मामले पर वो मीडिया में कोई भी बात जो है वो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि रविंद्र रैना वो शख्स हैं जो हर एक मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मुद्दा हो, चाहे वो देश में हो या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर कोई मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पर वो मुखर होकर बोलते हैं। लेकिन रविंदर रैना इस पर उन्होंने चुप्पी साधी रखी, और हो सकता है कि उन्होंने इसी वजह से चुप्पी साधी होगी कि उनको उनको पता था कि अब वो इसमें कानूनी जो भी एक्शन है, कानूनी एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, और अब जो बताया जा रहा है कि कुछ मीडिया पोर्टल जो है जो काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं रविंद्र रैना के भी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि रविंद्र रैना ने सुरेंद्र चौधरी को लीगल नोटिस जो है वो भेज दिया है। लेकिन क्या ये जंग यहीं पर खत्म हो जाएगी? क्योंकि जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी का कहना है, सुरेंद्र चौधरी लगातार ये कहते रहे हैं जब से उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है, एनसी में शामिल हुए हैं, वो ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर दो लोग जो हैं उन्होंने भाजपा को जम्मू कश्मीर में तबाह कर दिया। उन्होंने अशोक कोल पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए, रविंद्र रैना पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा एक टीचर और एक हेडमास्टर हैं, ये दोनों इतने जो हैं, उन्होंने इन दोनों को चाचा भतीजा की भी जो है उससे भी नवाजा। उन्होंने कहा कि ये चाचा भतीजा भी हैं। ये सब जो हम कह रहे हैं ये सुरेंद्र चौधरी का कहना है, वो लगातार आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे, कल हमने भी किया, हमारे सहयोगी जो चैनल हैं उन्होंने भी किया इस उनका इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कई सारे खुलासे किए, और उन्होंने अभी ये भी कहा है कि अभी वो चुप बैठने वाले नहीं हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप एक बार मेरे सामने आकर किसी प्लेटफॉर्म पर आकर डिबेट करिए, फिर मैं ये जो चीजें हैं ये काफी अब पब्लिक को भी एक मुद्दा जो है, देखिए कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो काफी ज्यादा पब्लिक भी जिस पर नजर बनाकर रखती है। ठीक है, पार्टी कार्यकर्ता हूं वो तो बनाते ही हैं, पार्टी के जो आला कमान है वो तो देखती ही है, नजर रहती है उसकी कि आखिर सुरेंद्र चौधरी ने जो छोड़ा है क्यों छोड़ा, आखिर जो आरोप उन्होंने लगाए क्या क्या वाकई में वो सही आरोप है, क्या वाकई में रविंदर रैना ने अपने परिजनों को यहाँ पर राजनीति में लाया है और उन्हीं का जो है वो फेवर कर रहे हैं, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी भी नौशहरा से हैं, तो क्या वहां पर पार्टी में टिकट की लड़ाई होनी थी जिसके लिए रविंदर रैना जो है वो सपोर्ट करते। और दूसरा बात करें
रविंद्र रैना को लेकर, रविंद्र रैना का जो अध्यक्ष पद है उसको लेकर कई सारी खबरें चलती रही और अक्सर वो खबरें अफवाह ही निकलती रही कि उनको जल्द ही बदला जाएगा। अभी भी ये अफवाह जो है मार्केट में चल रही है कि उनको बदला जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर जो पुख्ता मोहर जो है बदलाव की वो सामने नहीं आई। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि कुछ जो संघ के कुछ बड़े जो चेहरे हैं जो इस वक्त देश में जिनका चौथे पांचवें नंबर पर जिनका नाम आता है उनके करीबी उनको कहा जाता है। तो कई ऐसे और भी संघ के लोग हैं जो रविंद्र रैना को बैक कर रहे हैं केंद्र में, जो केंद्र में जो बीजेपी के जो सरकार है, जो बीजेपी माफ कीजिएगा जो बीजेपी की पार्टी है, जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा जो दिल्ली में, उनको भी वही लोग जो है कह रहे हैं कि रविंद्र रैना के लिए जो बैटिंग करते हैं, अगर एक आम भाषा में कहा जाए कि वो उनके लिए कहते हैं कि इनको चेंज ना किया जाए। तो ये सारी चीजें, कई सारी चीजों का खुलासा सुरेंद्र चौधरी ने किया है, लेकिन अब अगर उनको ये नोटिस रिसीव होता है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कहा कि मेरे पास नोटिस जो है वो नहीं पहुंचा है, अगर तो रविंद्र रैना के नोटिस भेजने की खबर जिन चैनल्स ने चलाई है वो पड़ी बड़े करीबी एक चैनल है, क्योंकि उनके पास खबर जो है वो हमेशा होती है रविंद्र रैना को लेकर, उनकी उनके जो सूत्र हैं वो काफी मजबूत हैं, काफी स्ट्रांग उनके सूत्र हैं और उनके पास वो खबर होती है, तो इसलिए उन्होंने जब खबर चलाई है तो हमें भी लगता है कि ये ऐसा हुआ होगा, क्योंकि रविंद्र रैना खुद कह रहे थे कि अब मैं लीगल नोटिस भेजने वाला हूँ। और अब जब वो लीगल नोटिस भेजने वाले हैं तो शायद वो लीगल नोटिस भेज दिया गया है। अब कब सुरेंद्र चौधरी को वो रिसीव होता है और क्या अगला एक्शन सुरेंद्र चौधरी का होगा, क्या वो कोई ऐसे खुलासे करेंगे जिससे और भी कई सारी चीजें जो हैं जो दबे हुए राज हैं बीजेपी के अंदर जम्मू कश्मीर में वो सामने आएंगे। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।